नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यूपीएससी सीसेट टेस्ट नंबर 6, इससे पहले 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति 6 घंटे में पैदल चलकर और गाड़ी चलाकर एक निश्चित दूरी को तय करता है। वह दोनों तरफ चलकर 10 घंटे में उस दूरी को तय करता है। अगर वह दोनों तरफ ड्राइव करे तो कितना समय लगेगा? देखिए, एक पॉइंट ये है, पहले केस में क्या हो रहा है, वो छः घंटे में इस साइड पैदल चलकर, पी से मैं पैदल लिख रहा हूँ, और इधर ड्राइव करते हुए 6 घंटे में पैदल चला, ड्राइव किया, टोटल लगे 6 घंटे। दूसरे केस में क्या हुआ, दोनों तरफ पैदल चला और पैदल ही आया, कितने लगे टोटल, 10 घंटे। अब यहाँ देखिए, पैदल ही आया मतलब पैदल उसने यात्रा की, 10 घंटे लगे, जितना उसे जाने में लगा उतना ही उसे आने में लगा होगा। तो हम यहाँ से एक तरफ का पैदल का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पैदल का एक तरफ का कहाँ कितना आया, 10/2 यानी 5 घंटे पैदल गए। हमें बताने हैं दोनों तरफ ड्राइव करके कितने किए। देखिए, अगर यहाँ पर एक तरफ पैदल गया था वो 5 घंटे लिए, जो यहाँ से हमें पता चला, तो ड्राइव करते हुए उसने कितना लिया, 6 में से 5 गए 1 घंटा। तो अगर वो दोनों तरफ ड्राइव करके जाए तो 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, तो टोटल 2 घंटे लगेंगे, ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ईजी होते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए, हमें ये 2 फिगर्स दिए हैं इस बॉक्स के अंदर, हमें 4 तक पता है, हमें 5वीं ढूंढनी है कौन सी आकृति होगी। देखिए, इसमें अगर हम इस सूरज को देखें तो ये सूरज यहाँ से यहाँ गया, इसमें यहाँ से यहाँ आया, अगले में यहाँ से यहाँ गया, अगले में चौथे में, तो 5वें में कहाँ जाएगा। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा के विपरीत, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ तक पहुँच गया, तो अगले में पक्का ही यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ आ गया। इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता आंसर, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब हम इस त्रिकोण को देखते हैं, इसको हम देखेंगे, अगर ये इसमें गया, यहाँ आया, यहाँ से अगले में यहाँ गया, और यहाँ से अगले में यहाँ आया, तो देखिए ये ऐसे चल रहा है। देख, यहाँ पे था, फिर यहाँ था, फिर दोबारा यहाँ आया, फिर इसे जिगजैग मोशन बोलते हैं, जिगजैग मोशन। तो ये यहाँ, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ पहुँच गया, तो ये अगले में यहाँ पर जाएगा, पक्का यहाँ पर जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी वही है, समस्या आकृति और उत्तर आकृति। हमारे पास ये 4 आकृतियाँ हैं, हमें 5वीं बतानी है कौन सी होगी। इसमें ये सर्कल को देखिए, ये सर्कल पहले यहाँ था, अगले में यहाँ आया, यानी यहाँ से यहाँ गया, उससे अगले में यहाँ आया, यानी यहाँ से यहाँ गया, और उससे अगले में यहाँ, ये देखा आपने, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ तक पहुँच गया, तो अगला स्टेप क्या होगा इसका, यहाँ जाने का, घड़ी की दिशा में। यहाँ कहाँ कहाँ है, ए में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में भी नहीं है। अब देखते हैं इस अंदर बने हुए एरो को, तीर को, पहले इसका नीचे था मुँह, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो अगले में पक्का नीचे होगा, तो किस में नीचे है, सी में, तो हमारा आंसर सी होगा। देखते हैं हमारी चौथी आकृति, चौथी में देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये ट्रिकी भी है। देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ से जब यहाँ गए, हम देखते हैं क्या अंतर हुआ और क्या सेम रहा। देखिए, ये तीर जो था, इसका ऊपर मुँह था, यहाँ पे भी इसका ऊपर ही मुँह है, ये जो एल था ये सेम का सेम रहा, लेकिन ये दोनों उठ के इधर आ गए, मतलब लेफ्ट में अपने, और जो ये था ये राइट में चला गया, और मैं दिखाता हूँ, ये जो था ये ऐसे आकृति वाला उठकर इधर चला गया, और इसने अपनी दिशा भी बदल ली, ये पहले ऊपर से नीचे हो गया, ये ऐसे हो गया, अगले में ये दोनों इधर आ गए, ये देखिए सेम, और जो एरो ऊपर था वो एरो नीचे चला गया, ऐसे ही ये दो सेम रहे, और ये जो नीचे मुँह था ये वाला मुँह ऊपर चला गया, तो उससे अगले में आप बताइए क्या होगा, ये दोनों तो सेम रहेंगे, एक नीचे एरो, इसमें नहीं है, नीचे में है, इसमें भी है, लेकिन
चलो देखते हैं इसमें भी है। देखिए ये दोनों इधर आ जाएंगे, मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट। जी हाँ देखिए, नीचे एरो और ये वाला मुंह ऊपर, ये वाला मुंह ऊपर, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही आंसर होगा। और हमें अगर अपने प्रश्न की पुष्टि करनी है तो ये देखिए जो लेफ्ट वाला ऊपर था, इससे जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे होके जाएगा, सॉरी इस ऐसे था तो ये ऐसे होके जाएगा, तो बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, हमें एक्स के स्थान पर बताना है कौन सा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का नहीं है, तो यहाँ मैथ का तो कुछ अप्लाई नहीं होगा। देखिए इधर 7 है, इधर 3 है, बीच में कुछ बड़ी सी संख्या है, हम इसके हर डिजिट अल्फ़ाबेट का सम निकालते हैं, 3 और 7 10, 10 बना, 2 2 और 4 ये बना 8, 7 3 और 0 मिलके बनाएंगे 10। देखिए 7 और 3 10, 6 और 2 8, तो यहाँ 1 है, तो ऐसा क्या हो कि यहाँ 10 बने, नो आंसर होगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, 4 कारों को ₹6 प्रति किलोमीटर की दर से और डीजल का रेट ₹40 प्रति लीटर की दर से किराए पर दिया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित तालिका है, ये तो हमारे पास तालिका है, हमें बताना है कि किस कार की औसत गति जो थी वो अधिकतम थी, मैक्सिमम, ए बी सी या डी, ये हमारे पास 4 कारें हैं, ठीक है, ये हमारे पास माइलेज है, ये उनके लगाया हुआ समय और ये टोटल पेमेंट। देखिए हमें गति निकालनी है, गति गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, तो समय हमारे पास है, समय हमारे पास है, हमें सिर्फ दूरी निकालनी है और ये दूरी हम इन रुपयों का प्रयोग करके निकालेंगे। देखिए हम अलग अलग केस लेके चलेंगे ए बी सी और डी का, चलिए शुरू करते हैं, हम पहले ए लेते हैं, ए की बारी, ए में क्या था, ए का हम देखते हैं माइलेज कितना था, 8, ए की माइलेज 8 थी, हम लेट कर लेते हैं कि सब ने एन डिस्टेंस चला है, कितना एन डिस्टेंस चला है, माइलेज कितनी थी 8 किलोमीटर पर लीटर। देखिए 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता था ए, टोटल कितना चला n किलोमीटर, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि कितना लीटर डीजल ए ने लिया, n बटे 8 करके, ये हमारा डीजल आ जाएगा, कितने लीटर डीजल हमारा लगा, हमारा ये डीजल आ गया, ठीक है, और डीजल का रेट क्या था, ₹40, तो यहाँ से हमें रुपए मिल जाएंगे। देखिए n बटे 8 गुना 40, 5, 5n, 5n रुपए का डीजल ए ने खाया, और उसके अलावा क्या खर्चा था हमारा, उसके अलावा हमारा खर्चा था ₹6 प्रति किलोमीटर का किराए कार का रेंट, तो यहाँ से 6n ये हो जाएगा, क्योंकि n किलोमीटर चले थे, ₹6 प्रति किलोमीटर था, तो 6n ये हो गया, और प्लस 5n डीजल का हो गया, टोटल 11n, 11n हुआ, और टोटल खर्चा कितना था, टोटल खर्चा था 2120, टोटल खर्चा था 2120, 2120, यहाँ से n आ जाएगा, 2120 डिवाइड बाय 11, ये होता है लगभग 192 पॉइंट समथिंग, 192 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n का गति, a की गति, सॉरी a की गति हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ ए कैसे आएगी, डिस्टेंस जो कि हमारा 192 है, डिवाइड बाय ए के द्वारा लगाया गया समय, ए के द्वारा कितना समय लगाया गया था, 20 घंटे, ए के द्वारा लगाया गया था 20 घंटे, तो स्पीड ऑफ ए, एक मिनट, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन जो कि था 192 डिवाइड बाय 20, ये कितना जाएगा, लगभग 9.6
किलोमीटर पर आर। ये आ गई ए की गति। अब किसकी गति निकालेंगे हम? बी की। सेम प्रोसेस, सेम बी की हम माइलेज देखते हैं कितनी थी। बी की माइलेज थी 10। अगर बी की माइलेज 10 थी तो बी ने कितना पेट्रोल लिया? एन बटे दस पेट्रोल और रुपये 40 पर लीटर के, 10 से 10, 4N का, चार एन रुपये का पेट्रोल लिया। और भाड़ा कितना था? 6N। टोटल कितना हुआ? 10N। तो और बी का टोटल खर्चा 1950। टोटल खर्चा 1950, 10 से 10 कटेगी, N की वैल्यू आ जाएगी 195 किलोमीटर। और स्पीड, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 195 डिवाइड बाय बी का टाइम 25 डिवाइड बाय, अगर 25 करेंगे तो ये आएगा लगभग 7.8 के आसपास। तो बी का क्या हुआ? 7.8। अब देखते हैं हम सी की बारी, सी में क्या होगा। सी की माइलेज 9 की थी तो पेट्रोल लगा N/9 गुना 40 रुपये, इतने रुपए का पेट्रोल, ये आता है लगभग 9 चौके 36, 4.4 रुपए N। और भाड़ा कितना था? 6 रुपए 6N। तो ये क्या हुआ? 10.5 मान लेते हैं हम इसको, 10.5N। और 10.5N किसके इक्वल हो जाएगा? ए का, इसका सी का कितने रुपए टोटल थे? 2064। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, एन की वैल्यू आ जाएगी 2064 डिवाइड बाई 10.5, ये आती है लगभग 195 के, 195 के। तो स्पीड ऑफ सी क्या हो जाएगी? 195 डिवाइड बाई सी का टाइम 24 घंटे, ये आ जाएगी लगभग 8.01 के। ऐसे ही हम डी निकालेंगे। डी की बारी, डी की माइलेज 11, यानी N/11 गुना 40, ये आ जाएगी लगभग 11 तीय 33, तो लगभग 3.6 के पास N। और कितना भाड़ा था? 6N, ये तो सबका सेम है, तो ये हो जाएगा 9.6N। 9.6N कितना टोटल खर्चा? 1812 टोटल खर्चा। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1812 डिवाइड बाई 9.6, जो आती है लगभग 190.6 के आसपास, 190.6 आई। हमें निकालना है स्पीड, तो D की स्पीड क्या आएगी? 190 डिवाइड बाई टाइम 22 घंटे, डिवाइड बाई 22 घंटे, ये आएगी लगभग 8.8 किलोमीटर के। अब देखिए डी की 8.8 आई, सी की 8.01, 7.8 बी की, और ए की 9.6। तो किसकी ज़्यादा हुई? जी हाँ, ए की। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न। देखिए निम्नलिखित ये 3 आकृतियाँ हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो हम पहली में देखते हैं, यहाँ क्या है? 84। 84 और 12 का कुछ संबंध लग रहा है हमें। जी हाँ, 12 7 84 7 आ गया, और अब रह गया 14। तो 7 और 14 का लग रहा है 7 2 14, यहाँ क्या बचा अंत में? 2। ऐसे ही 9 81 का निम्न 81 और 9 18 का 2। जी हाँ, हमने पैटर्न पकड़ लिया। 11 88 का 8। तो यहाँ ऐसा क्या आए कि हमें 2 मिले? 8 2 16, तभी तो कट के, जैसे 14 डिवाइड बाय 7 हुआ था, 18 डिवाइड बाय 9 हुआ था, तो 16 डिवाइड बाय 8 बी आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, ये हमें 3 घन दिए गए हैं। ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी कराए हुए हैं, और इन प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों में कॉमन देखने की कोशिश करते हैं। हमें बताना है कि जो ये 5 है, 5 के साथ में ए और बी, हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर ये पता चल जाए कि 5 के अपोजिट कौन है, तो हम ये बता सकते हैं कि 5 के चारों तरफ यहाँ पे कौन कौन आएगा साथ में, ठीक है। लेकिन 5 बंदे, हमें एक ही पता है 5, तो ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कॉमन पकड़ते हैं। यहाँ पे देखिए
कॉमन एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है, तो हमें पता है एक के साइड में कौन कौन लगे हैं। इधर एक के साइड में दो और तीन लगे हैं, दो और तीन लगे हैं, इधर चार और छः लगे हैं, इधर चार और छः लगे हैं। देखिए टोटल छः होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारे पास पाँच हैं, एक दो तीन चार और छः, बचा कौन सा, पाँचवा। देखिए ए के चारों तरफ दो तीन चार और छः हैं, तो पाँच पक्का ए से अपोजिट में होगा, तो पाँच यहाँ होगा, पाँच ए के अपोजिट में होगा, और साथ में जो जो ए के एक के जो जो एक के साथ लगे होंगे वो पाँच के साथ लगे होंगे, तो जहाँ जहाँ एक है वो तो हम काट देंगे, क्योंकि एक पाँच के साथ नहीं, पाँच के अपोजिट लगा है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 45 विद्यार्थियों की क्लास में एक लड़के का स्थान 20वां है, दो लड़के शामिल होते हैं, इससे उसकी रैंक एक नंबर से गिर जाती है, तो हमें उसकी नई रैंक बतानी है, वो भी नीचे से। देखिए 45 स्टूडेंट हैं, उसकी रैंक आगे से 20वीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, और एक दो बच्चे ऐड होते हैं, प्लस दो बच्चे ऐड होते हैं, तो इसका रैंक एक से गिर जाता है, यानी अब हो गया 21वां रैंक हो गया। इसका मतलब दो जुड़े लेकिन इसका रैंक एक ही से गिरा, मतलब एक बच्चा यहाँ पर ऐड हुआ और एक इसके कहीं नीचे जाके ऐड हुआ होगा, है ना, तभी तो ये हुआ, इसका रैंक एक ही से गिरा, नहीं तो दो से गिरता अगर दोनों यहाँ ऐड हो जाते तो। अब टोटल बच्चे कितने हो गए, 47, टोटल बच्चे 47 हैं, और इसका रैंक है 21वां, इसका बच्चे का रैंक है 21वां, तो 47 में से अगर 21 गए, 7 में से गया 6, 4 में से 2 गए 26, यहाँ पर 26 बच्चे हैं, लेकिन हमें इसका रैंक बताना है, हमें ये नहीं बताना कि इसके नीचे कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे पूछे होते तो 26 आंसर होता, लेकिन इसका रैंक कौन सा होगा, 26 बच्चों के बाद इसका रैंक 27वां होगा, सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। देखिए एक चोर है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, उनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, हमें बताना है कि पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो ऐसे प्रश्न निकालने के लिए देखिए दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ये है पुलिस वाला, ये है चोर, ये 8 से, ये 10 से, ये ठीक वैसा केस है जैसे अगर हम सड़क पर दो वो चल रही हैं कारें, ठीक है, एक 50 से चल रही है, एक 60 से, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं लगेगा कि ये 50 से चल रही है, ये 60 से, हमें लगेगा कि ये जो ये वाली कार है ये 10 की स्पीड से आगे जा रही है, क्योंकि 50 की स्पीड तो हमारी भी है, इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो हम स्पीड को घटा देते हैं, तो 10 - 8 यानी 2, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर घंटे है, क्योंकि ये 10 से भाग रहा है तो 8 से तो ये भी भाग रहा है, ठीक है, तो टोटल तो इनका दो इनके डिस्टेंस जो बीच का डिस्टेंस है वो 2 के हिसाब से कम होगा, तो इनका डिस्टेंस है 100 मीटर डिवाइड बाय 2, हमें क्या निकालना है, समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 2 की है लेकिन ये किलोमीटर में है तो हम इसे मीटर में बदल लेंगे, और इधर ये घंटे हैं तो हम इसे मिनट में बदल लेंगे, मिनट यानी 60 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, और 2 से 6 कटा 3, तो हमारा 3 आंसर आ गया, तो हमारा बी आंसर आ गया। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और मास्क लगा के रखिए। बाय बाय।